स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अनंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनंत। तो आज बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे जैसे TikTok पर हमारी जो पत्तियां रहती हैं वीडियोस में, तो उनको कैसे दूसरे कलर में चेंज कर दिया जाता है। आपने बहुत से वीडियो ऐसे देखे होंगे जो वायरल होते हैं, उनमें जो है पत्तियों का कलर या किसी और घास आस का कलर जो है हरा नहीं रहता या कि नीला रहता है या लाल रहता है, ऐसा कुछ है ना। तो वही आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की। हाँ, ये काइन मास्टर में ही उपलब्ध है। और एक और ऐप है, उससे आप क्या है कलराइज कर सकते हो, लेकिन काइन मास्टर में आपको बेटर लगेगा क्योंकि काइन मास्टर सभी के पास होता है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि बैकग्राउंड यानी कि मीडिया में जाना है यहाँ पर, और बैकग्राउंड में जाना है। जैसे हम किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं ना, वैसे वीडियो इंपोर्ट ना करके हमें बैकग्राउंड फोल्डर में जाना है जो पहले से इसमें काइन मास्टर में होता है। तो पत्तियों का जो कलर आप करना चाहते हो उस कलर का बैकग्राउंड जो है आप डाल सकते हो। यदि ये कलर इस पर उपलब्ध नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, गूगल इमेज से सर्च करके, है ना, कलर का नाम लिख के और बैकग्राउंड लिख के सर्च कर सकते हो आप फुल HD में। तो ये इमेज हैं। तो जैसे लाल करना है हमें पत्तियों का कलर, तो लाल बैकग्राउंड को जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जाना है लेयर पर। लेयर पर जाने के बाद आपको जाना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद आपको अपना वो वीडियो इंसर्ट करना है यहाँ पर जिसमें पत्तियाँ हों और जिसको आप जो है पत्तियों का कलर चेंज करना चाहते हो, मतलब जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हो, तो वही वीडियो को डालना है यहाँ पे। तो मैं इसको रोटेट करके सीधा कर लेता हूँ वीडियो को, और इसका साइज भी फुल स्क्रीन में कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया। अब मेरे को करना क्या है कि ये वीडियो को यहाँ से मैं कर लेता हूँ, और जितना वीडियो हो उतना मैं ये बैकग्राउंड को ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया बैकग्राउंड। अब मेरे वीडियो में जो पत्तियाँ हैं थोड़ा पीले कलर की हैं, आपके वीडियो में हो सकता है हरे कलर की हों। तो आपको जाना है यहाँ पे, सॉरी, लेयर को पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है आपको क्रोमा की पर। उसके बाद क्रोमा की को इनेबल कर देना है, और क्रोमा की को इनेबल करने के बाद ये जो है आपका पत्तियों का कलर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड के आधार पर। तो मैं यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक से कर लेता हूँ इनको, जैसा आपको सूटेबल लगे, जो आपको परफेक्ट लगे वही कर लीजिए आप भी। ऐसा करने से मैंने ये कर लिया, तो पत्तियों का कलर आप देख सकते हो कि चेंज हो चुका है। वीडियो प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियों का कलर जो है चेंज हो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे कलर की हो, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर जो है आपको वही चूज कर लेना है। और यदि क्रोमा की यहाँ पर काम नहीं कर पाता आपका, तो आपको ये जो कलर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस कलर की आपकी पत्तियाँ हों। हरी हैं तो हरा कलर सेलेक्ट करना है, पीली हैं तो पीला कलर। तो इस तरह से आपकी जो है पत्तियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसी तरह बनाया जाता है ऐसा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।